let me down. क्या आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरी कलात है, हजार बाएं मापा गोले गोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। आज हम तुर्बत सिटी के कुछ प्लेसेस का विज़िट करेंगे और आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। क्या आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरी कलात है, इसके ऊपर जाएंगे और इसका व्यू आप लोगों को दिखाएँगे। यहाँ तक आते आते सांस फूल चुकी है, लेकिन ये अभी सिर्फ स्टार्ट है। मेन जगह इसका वो ऊपर है, चलते हैं। बोले गोले गोला नदी जाना गोले गोलाबी तुम हजार बेश्त बापा गोले गोलाबी तुम नदी जहां न मांगा ये डोल गोले गोला मावान में। ये मेरी कलात का ऊपर का मंजर है। मेरी कलात लगभग 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। इसकी हिस्ट्री काफ़ी पेचीदा है, तो आज हम इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी 5 हज़ार साल पहले शुरू होता है। वैसे तो बहुत सारे बादशाह और मीरों ने इस पर हुकूमत की है, लेकिन हम मीर दोस्तेन होत यानी पुन्नू से शुरू करते हैं। मीर दोस्तेन होत के वालिद का नाम मीर आली होत था और वो होत कबीले का सरदार था। ये कलात 500 कमरों पर मुश्तमिल हुआ करता था। मीरी कलात 4 फ्लोर में मुश्तमिल था। फर्स्ट फ्लोर में सिपाही तैनात थे और दूसरे फ्लोर में मेहमान खाना हुआ करता था।
और एक बड़ी मस्जिद भी वहाँ पे बनाई गई थी। तीसरे फ्लोर में जंगी हथियार और अनाज वगैरह रखे जाते और चौथे फ्लोर में बादशाह आराम किया करता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुदाई की गई है क्योंकि यहाँ पे हथियार और कीमती साजो सामान रखे जाते थे। ये किले का एंट्री गेट हुआ करता था जो अब इस हालत में है। इस किले को देखकर यूं महसूस होता है कि दुनिया में सब कुछ फानी है, ख्वाह वो बादशाहत हो या किला। बस कुछ मुद्दत के लिए होता है, बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का नाम। ये लोग आए हुए मीरी कलात का विज़िट करवाने, चलिए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। और जी, आपका नाम? अमेर बलोच। अच्छा, कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक है इस गुरबत से। अच्छा, यहाँ क्या करने आए? यहाँ घूमने के लिए आए। अच्छा, विज़िट करने आए हैं जी। थैंक यू। आपका नाम? आसल खान। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है? तुरबत से। अच्छा, यहाँ आप भी विज़िट करने आए हैं। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, आप भी यहाँ घूमने आए हैं। चले ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू। किले की खजानों की हिफाजत के लिए यहाँ पे सांप छोड़े गए थे और यह सुरंग उन खजानों तक पहुँचने का एक रास्ता था। लोगों का कहना है कि साल में एक ऐसा महीना आता है यहाँ पे आपको बहुत सारे सांप देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और मालूमात है तो कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।